संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन कराने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों के बीच में रहकर मनाने को लेकर अब नीमच पुलिस सख्त है। पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देश पर दोनों ही त्योहार को सीमित दायरे में रहकर अपने घरों में मनाने को लेकर बैठक कर समाजजनों से अपील भी की है। इसके बाद नीमच पुलिस द्वारा शुक्रवार देर शाम शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में वाहनों में बैठे अधिकारी लोगों से अपने घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर भगवानपुरा चौराहा, नीमच सिटी, बारादरी, नया बाजार, मूलचंद मार्ग, फवारा चौक, कमल चौक व घंटाघर होते हुए उपनगर भगाना पहुंचा, जहां भी अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रमण कर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने त्योहारों को घरों में ही मनाने की अपील की। इस दौरान के खबर से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल ने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर समाजजनों से बैठक कर त्योहारों को घरों में ही मनाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से एक दूसरे के घर पर नहीं जाने, अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही त्योहार मनाने के साथ ही कई भी भीड़ एकत्रित न करने को लेकर अपील की है। ये धर्म जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद वगैरह हैं, जो उसमें भी ये डीएम साहब ने नया आदेश निकाला है कि उसमें जिनकी जो उनके कमेटी के मेंबर हैं 5, वही लोग जो है उसमें नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों पे नमाज पढ़ेंगे। और काजी साहब ने भी यही ऐलान किया है। और दूसरे जो हम लोगों ने मीटिंग ली थी उसमें भी इनके जो सभी लीडर्स हैं और जो मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बात पर एक मत थे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए घरों पर ही रहकर त्यौहार मनाए।